और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। आज नवरात्रि का चौथा व्रत है और जो मैंने पूजा कर ली है, अब व्रत खोलना है मुझे। तो मैंने जो कल चौलाई की पट्टियाँ बनाई थी, ये देखिए काफी चौलाई की बर्फियाँ बोलते हैं एक तरीके से इसे, और ये चौलाई के लड्डू ये कल मैंने बनाए थे। तो अब इनसे हम व्रत खोलेंगे। और मैंने बना ली है मीठी लस्सी और उसके साथ हम व्रत को ओपन करेंगे। ओहो आवाज़ आ रही है। तो चलिए गाइस, फिर हम व्रत खोलने के बाद मिलते हैं। आज हमारी एक दोस्त आ रही है हमारे घर, तो आई एम वेरी एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि वो मेरी थोड़ी अच्छी सी दोस्त है और सबसे बड़ी बात वो स्पोर्ट्स पर्सन है। और जो मैं स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मेरे को भी वो बहुत प्यारी है। हेलो गाइस, हम फिर से मिले आपको, वही पुराने लोग, वही जिन्होंने सुबह आप क्या लाया दीदी। आज हम लाए हैं पार्टी का मटेरियल, पर हम बर्ती हैं तो हम पार्टी नहीं कर सकते, सिर्फ हम ला सकते हैं। हमारी दोस्त आई है तो उसके लिए हम पार्टी कर रहे हैं। सिर्फ हम ला सकते हैं, नहीं खा नहीं सकते। हम ला सकते हैं, हम बेलना लोग हैं। गाइस ये हमारे दोस्त आए हैं, इनको हमने गैस पर लगा दिया, उसकी इच्छा जाहिर हो रही थी। वाले निकालो, नॉर्मल वाले कहाँ हैं। मैंने अपने आप से इच्छा जाहिर करी थी। काफी आपके लिए? अरे बहुत ज्यादा है। तो गाइज हमने अपनी फ्रेंड से चिप्स तलवाने के बाद उसको उठवाया थैला और लेके चल दिए उसको एक अपनी पड़ोस की दुकान पर, जहाँ पर जी एक्सपोर्ट का माल मिलता है हाफ प्राइस पर, मतलब कि बढ़िया बढ़िया रेट्स पर मिल जाता है। और मिलता अच्छी क्वालिटी का भी है, बुरी का भी है, परंतु हमें छांटना पड़ता है कि हमें अच्छा चाहिए कि बुरा। रेट भी हर चीज़ के उसकी क्वालिटी के अनुसार मिल जाते हैं। तो मेरी दोस्त को, वैसे तो मेरी दोस्त को कुछ नहीं लेना था, परंतु यहाँ की चीज़ें देखकर उसको जो है जी ललचा गया और उसने जो है सामान कुछ लिया, मैंने भी कुछ लिया। पर हम जो है मेन यहाँ पे फ्रिज लेने के लिए गए थे, जो कि सिर्फ यहीं पर मिल सकता है, छोटे वाला फ्रिज जो होता है, मतलब कि ज़्यादातर होटल्स वगैरह में लगता है। वो मेरे पास एक स्पेशली मेरे बहुत प्रिय व्यक्ति की डिमांड में आया था, तो मैंने जो है यहाँ पे कोशिश किया मिलने का। तो भैया ने हमें बोल दिया कि हम उसको मंगवा सकते हैं, पर अभी है नहीं। तो भाई उन्होंने हमें निराश करके भेज दिया। निराशा लेने के बाद कोई बात नहीं, हमने हार नहीं मानी, फिर भी हम खाली हाथ न जाने के बदले यहाँ से कुछ सामान लेके गए हैं। और जो यहाँ पर सामान वैसे ठीक क्वालिटी का मिलता है, गलत का भी मिलता है, पर छांटना पड़ता है, बस यही थोड़ी सी दिक्कत होती है। पर हाँ एक्सपोर्ट का सामान है तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं इसमें। पर हाँ मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं गई, 2 से 3 बार गई हूँ। तो मैंने अपनी दोस्त को दिखाया तो उसको अच्छी लगी। जैसे छोटे बच्चे पहले हम जो है लटका देते थे, उसके बाद झूलते रहते थे, ऐसी एक कुर्सी मेरी फ्रेंड को मिली, इसको ये बहुत पसंद आई और इसने ले भी ली ये कुर्सी। ये वाली कुर्सी सिर्फ वहाँ पर 400 रुपये की मिली है, यानी कि हमें सस्ते में पड़ गई। तो हमने इसको छोड़ना ज़्यादा अच्छा माना और हम इसको ले कर फटाफट आ गए। कभी वो भैया हमसे छीन लें कि भाई हमने तो सस्ती दे दी, तो हम ले कर उसको लिगड़ चुके थे। और ये हम जो है यहाँ पर ट्राईपॉड्स वगैरह देख रहे थे अपने मोबाइल के लिए, क्योंकि गाइज आप लोगों को हमें जो है किसी का सहारा लगा के आपकी कमर पर तो बैठा पड़ रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के लिए पैसा खर्च कर लें। तो हमने एक छोटे वाला ट्राईपॉड लिया ताकि हम आपको बैठा सकें एक स्टैंड पर। चलिए गाइस अब आके देखते हैं हमने क्या क्या खरीदा है, तो वो हम घर पहुंचने के बाद दिखा सकते हैं। ये ट्राईपॉड में थोड़ा ट्राई कभी थी सही निकल गया है, कभी खराब निकले घर जाके, तो इसलिए चेक यहीं पर करना पड़ता है हमको। ये घर जाके नहीं चेक कर सकते हम सामान कैसा निकला है।
ये दिखाने के लिए लेके आई है वहां से। इसमें क्या हुआ दिखाने? तो आप जानते हो कौन सा सामान लेके जा रहे हैं, प्लीज भैया बार्गेनिंग। हाँ भैया ये तो हम झूठ नहीं कह रहे, बार्गेनिंग तो हमारी बनती है। क्या 2000 बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भैया? नहीं इससे क्या नीचे करूँ मैं? ये तो पहले मेरे चांद भैया जी से हम बार्गेनिंग करते हुए और भैया बना। Close your eyes for a minute, close your eyes for a second। आज हमारे दोस्त हमारे घर नाइट स्टे पे आई गाइस। पापा बोल रहे थे गद्दा बिछा के इसी पे सो जाते हैं। हाँ, ये सही है। बड़ा डिवाइस भी तो सो सकते हैं। पर नहीं हम नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते लेके आए हैं वहाँ पे। और ये लाए हैं बास्केट, ये हम लाए हैं अपने लिए स्टैंड, व्लॉगिंग करेंगे। ये एक छोटी सी कढ़ाई लाए हैं, ये बेडशीट लाई है हमारे दोस्त। और ये हम लाए हैं वाइन ग्लास लाए हैं। चीयर्स बेबी। फिर मम्मी को मुस्कुरा रही है, लड़कियाँ बड़ी हो गई है इनकी। जूता दिखाओ। और ये शूज हैं, सीधे स्नीकर्स। स्नीकर्स हैं गाइस, ये हमारी लड़की पहनेगी, नहीं तो गाल पे भी काई। नहीं नहीं उल्टा बोल दिया, सॉरी। तुम्हारे लिए भी चाहिए? हाफ वाले बोल दिए, लाएगा तो दे देगा। इसी के साइज हाफ रहता है। वो हल्के रहते हैं, वो क्वालिटी में, ये क्वालिटी अच्छी है। हाँ वही बता रही, मैं देख के आई हूँ। 99 में 5 मिलते हैं। हाँ एक और चीज, ये वाले डिजाइन जो है ना मजबूत रहते हैं। तू जो बोल रही थी ना कि वो उसमें दो ढक्कन के, नहीं इसके 3 ढक्कन के हैं, वो मिला नहीं मुझे तीसरा, तो मैंने ये ले लिया जब मिल। तो गाइज ये वैसे तो कहने को मेरी दोस्त है, पर यह है जो मम्मी से ज़्यादा कनेक्ट हो गई, तो अब इनकी बतला ख़त्म नहीं हो रही है। रात के 2 बज रहे हैं, ये बातों में इतनी मगन हो चुकी हैं कि ये भूल गई कि ये दोस्त मेरी हैं, कि आपस एक दूसरे की। अब गाइज हम तो थक हार के सो गए, ये पता नहीं किस समय रात को सोई थी। और जी हम तो जब उठे तो हमें ये बात करती हुई दिखी थी, हमने इसलिए इनकी वीडियो बना दी थी। अब क्या कर सकते हैं गाइज, जिसका जिससे दिल मिले, मिलता तो खैर मेरे से भी है, पर ये जो है ना बड़े बुजुर्गों के साथ ज़्यादा खुश रहती है मेरी तरह, तो मैं इसलिए इसका दुख समझ सकती हूँ। ये सुबह सुबह मेरी भी दोस्त जा रही है अपने घर, सुबह के 5 बज रहे हैं। और ये भी साथ में ले जाओ, ले जा गोद में ले जाओ उठा के। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटे। ओके गाइज बाय बाय। भैया नींद तो नहीं आ रही? फिर ठीक है। नहीं नींद आ रही होती है तो कभी सोना वोना ठीक है। बाय बाय गाइस। अच्छा।